हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वेब ड्राइवर का अपने लास्ट सेशन जो अटेंड करा था उसका कंटिन्यूशन में हम लोग वेब ड्राइवर का कंट्रोल देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग स्विच टू जो है एक वेब ड्राइवर का मेथड होता है और उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो स्विच टू टैब्स। तो स्विच टू टैब्स का मतलब क्या होता है उस चीज़ को पहले समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्विच टू टैब्स। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल सामने, लाइक एक डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल है जिसमें मैं shine.com पर जा रहा हूँ। तो ये मेरा जो फोकस है वो करंट टैब shine.com के ऊपर है, ठीक है ना। अब ये shine.com के अंदर जाकर अगर मैं इसके अंदर जॉब टाइटल लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जॉब टाइटल के अंदर मानकर के लिए मैं जावा डेवलपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसका एक्सपाथ लेकर क्लिक करवा कर और उस पर टाइप करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लिंक है, वो लिंक है जैसे कि जॉब सर्च। अब ये जॉब सर्च लिंक जो है ये एक नई टैब ओपन कर देगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लिंक्स जो होते हैं जो कि HTML को अगर आप जानते होगे तो उसमें जो है हमारा जो है अंडरस्कोर ब्लैंक कर कर होता है देना हमारा, जिससे कि वो नया टैब ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लिंक्स ऐसे होते हैं जो कि करंट पेज पर ही ओपन होते हैं और बहुत सारे लिंक्स ऐसे होते हैं जो कि क्लिक होने पर एक नई विंडो पर या नए टैब के ऊपर ओपन होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि अब मेरा जो फोकस है वो इस पेज के ऊपर है, ठीक है ना, मैंने लिंक पर जो क्लिक करा था इस पेज पर क्लिक करा था। तो अब आपको अगर मैनुअल टेस्टिंग भी कर रहे हैं तो मेरे को फोकस जब तक इस पेज पर नहीं लेकर आऊंगा तब तक मैं इस पेज के अंदर कोई कीवर्ड नहीं लिख सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मेरे को कोई कीवर्ड लिखना है टेस्टिंग, तो वो टेस्टिंग कीवर्ड तभी लिख पाऊंगा जबकि मैं इस विंडो से या इस टैब से इस टैब पर स्विच कर सकूँ, ठीक है ना। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक टैब से हम लोग दूसरे टैब पर मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। या वापस से यहाँ पर टाइप करने के बाद मैं वापस से इस टैब पर आना चाहता हूँ और इस पर आकर मैं यहाँ पर आकर लोकेशन के अंदर पुणे लिखना चाहता हूँ, ये मेरे को काम करना है, ठीक है ना। तो अब ये काम कैसे किया जाए, कैसे दो टैब्स के बीच में मूव करा जाता है, उसी का पहला डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करा था तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक कॉन्फिग क्लास बना रखी है जो पेरेंट क्लास है, जिसमें हम लोगों ने ओपन ब्राउजर नाम का मेथड बना रखा है, जिसमें अगर हम लोग फायरफॉक्स पर काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने गीको ड्राइवर को रजिस्टर करा रखा है। थोड़े लास्ट क्लास में शायद यहाँ पर हम लोगों ने फायरफॉक्स लिख दिया था, तो ये चीज को थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पर वेब ड्राइवर डॉट गीको ड्राइवर, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ड्राइवर हम लोग यूज कर रहे हैं वो गीको ड्राइवर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फायरफॉक्स नहीं आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग क्रोम ड्राइवर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे क्रोम ड्राइवर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स रजिस्टर करवाया और फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास को इनिशियलाइज कर रखा है, और क्रोम है तो क्रोम ड्राइवर क्लास को इनिशियलाइज कर रखा है। नेविगेट टू से ये जो पर्टिकुलर जो भी यूआरएल है हमारा उस यूआरएल पर ये नेविगेट करेगा। नेविगेट टू भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, विंडो मैक्सिमाइज भी आपको बताया था और इम्प्लिसिट टाइम आउट का भी मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने एक ओपन ब्राउजर मेथड बना रखा है। बाकी डाटाबेस कनेक्शन का भी मैं कोई इसमें यूज नहीं कर रहा, सिंपल आपको दो टैब्स के बीच में मूव कर रहा हूँ। बाकी ये मैंने लास्ट क्लास का, अगर आप चाहें तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इस कॉन्फिग क्लास को समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो मैंने एक लिखा हुआ है जैसे थोड़ा थोड़ा ताकि टाइम का हमारा यूटिलाइजेशन हो सके। तो हम लोगों ने एक क्लास बना रखी है, टेस्ट मैथड बना रखा है और टेस्ट मैथड के अंदर हम लोगों ने कॉन्फिग क्लास जो मैंने एक ही पैकेज के अंदर है डिफॉल्ट पैकेज में, तो उसका कंस्ट्रक्टर बना रखा है कॉन्फिग सी इज इक्वल टू न्यू कॉन्फिग, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने ओपन ब्राउजर में जो भी ब्राउजर आपको ओपन करना है और shine.com पर जाकर मैंने इसका दे दिया कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, shine पर जा रहे हैं, ठीक है ना। और shine पर जाने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है दोबारा से बता रहा हूँ। तो ये मेरा ये वाला shine के ऊपर मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आकर मेरे को क्लिक करना है। तो इसका xpath ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो इसका xpath ले लेते हैं, इंस्पेक्ट एक्सपाथ,
एक्स पद, और हम लोग मैंने एक फाइंड एलिमेंट करकर अपना एक मेथड बना रखा है ताकि हम लोगों को फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ बार बार ना लिखना पड़े। और यहां पर आकर मैं पाथ में जाकर क्लिक करवाने पहले, और पाथ हम लोगों ने कॉपी करा उसके यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्लिक हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, ये क्लिक हो जाएगा। क्लिक हो जाने के बाद मेरे को इस जगह, तो इसका फिर से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, तो मेरे को यहाँ पर टेस्ट इंजीनियर या जावा डेवलपर टाइप कराना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मान के चलिए हम लोग जावा डेवलपर लिखना चाहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगला काम क्या करना चाहता हूँ मैं कि नीचे स्क्रॉल के अंदर मेरे पास लिंक है जिससे वो नया टैब ओपन होगा, तो इसका एक्सपाथ ले लेते हैं। ठीक है, तो कई बार एलिमेंट को आईडी नहीं होता है तो वो कंप्लीट एक्सपाथ ही लेता है, तो उस केस में अगर आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ ले रखा है तो सिंगल स्लैश होता है उसको डबल करिएगा, तो ये ध्यान रखिए इसको हमेशा एक्सपाथ डबल स्लैश से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने क्लिक कर दिया, तो क्लिक से क्या होगा, एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, अब मेरे पास जब नया टैब ओपन हो जाएगा तो मैं जब करता भी जाता हूँ साथ में ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा नया टैब ओपन हो जाएगा। अब मेरे को इसके वो मूव करवाना है, ठीक है ना, तो मेरे पास ये दो टैब्स ओपन है। ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड होता है, वो मेथड होता है गेट विंडो हैंडल्स। ठीक है, गेट विंडो हैंडल्स, तो गेट विंडो हैंडल्स क्या करता है, रिटर्न ऑब्जेक्ट या रेफरेंस ऑफ ओपन टैब्स, तो जो भी मेरे टैब्स या विंडोज कह लीजिए ओपन है उनका एक सेट के अंदर रेफरेंस रिटर्न करता है। तो गेट विंडो हैंडल्स जो है ये वेब ड्राइवर का मेथड है जो कि रिटर्न में सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो सेट में स्ट्रिंग टाइप का डाटा हमको मिलता है। ठीक है ना, सेट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कलेक्शन का होता है यूटिल पैकेज का जिसके अंदर यूनिक डाटा स्टोर होता है। ठीक है ना, और सेट में से आप कोर जावा की क्लासेस देख सकते हैं, मैंने पहले कवर करा चुका हूँ। तो सेट के अंदर जो है आइट्रेटर मेथड होता है सेट में से डाटा निकालने के लिए। ठीक है, आइट्रेटर, और आइट्रेटर से आकर मैंने जब आईटी डॉट नेक्स्ट करूंगा तो आईटी डॉट नेक्स्ट का मतलब कि ये पहला ऑब्जेक्ट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट दोबारा करेंगे तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो दो टैब्स है, तो मतलब कि पहले वाले के लिए जब हम लोग आईटी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो मीन्स करंट विंडो, क्योंकि यहां पर जो रेफरेंस स्टोर हुआ इन दो विंडोज का स्टोर हुआ, इन दो टैब्स का रेफरेंस स्टोर हुआ। ठीक है, सेट के अंदर, तो जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो पहला आएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो दोबारा आएगा, तो इस तरीके से जाओ, क्योंकि करंट के अंदर मेरे को स्टोर करके इसलिए रखना है क्योंकि मेरे को वापस से करंट के अंदर आना है। जब मैं इसमें स्विच कर जाऊंगा तो स्विच करने के बाद अब मैं वापस से इसमें आना चाहता हूं तो इसका रेफरेंस पहले मेरे को स्टोर करके रखना पड़ेगा तभी मैं वापस आ पाऊंगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इसके लिए हम लोगों ने आईटी डॉट नेक्स्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट टैब का या करंट टैब का जिस पर आप काम कर रहे हो अभी, ठीक है ना, उसका वो मेरे को क्या कर देगा, रेफरेंस रिटर्न कर देगा। ये मैंने टाइटल आपको जस्ट प्रिंट करा रखा है ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए कि मैं करंट विंडो के अंदर हूं गेट टाइटल से। ठीक है ना, इसके बाद
वाइल आई टी डॉट हैज नेक्स्ट का लगा लीजिए या दोबारा से आई टी डॉट नेक्स्ट कर लीजिए। वाइल का मतलब कि अगर एक से ज्यादा टैब्स भी ओपन हो रखे हैं तो वो एक एक करके नेक्स्ट 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 टैब के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए जो मेथड होता है वो क्या होता है, मूव कंट्रोल टू नेक्स्ट टैब, ठीक है ना। तो हमारे पास मेथड होता है ड्राइवर डॉट स्विच टू, स्विच टू एक मेथड है, डॉट विंडो, ठीक है ना। डॉट डॉट का आपको मैंने ऑलरेडी कोड जावा जब पढ़ाया था तो बता दिया था कि भाई ये जो है ये शॉर्टकट है बेसिकली, ठीक है ना। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो और ये आई टी डॉट नेक्स्ट, जैसे ये करंट वाला था वैसे नेक्स्ट टैब का रेफरेंस मिलेगा तो नेक्स्ट मूव करेगा, फिर नेक्स्ट का टैब का रेफरेंस मिलेगा। तो ऐसा अगर मल्टीपल टैब्स ओपन हो रखे तो एक एक कर कर सब पर मूव करता चला जाएगा, ठीक है। हर एक का मैंने टाइटल गेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए कि मैं कौन से वाली टैब के ऊपर हूँ। टाइटल मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, ये जो जॉब्स 2020 लिखा हुआ है ये क्या, ये टाइटल है, ये वाला जो है जॉब सर्च इंडिया लेटेस्ट करियर जॉब्स, ठीक है ना, एंड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या, ये मेरा टाइटल है। तो टाइटल को कैसे गेट करा जाए, अगर टाइटल को गेट करा जाए तो कैसे गेट किया जाए, तो आप लाइक इंस्पेक्ट करते हो, जब कहीं पर भी करके इंस्पेक्ट कर दीजिए तो आपको जो है इसका HTML का जो कोड मिलता है, ठीक है। इस HTML के कोड के अंदर आपको ये हेड मिलेगा और हेड के अंदर आपको ये टाइटल मिलेगा। टाइटल को आप यहाँ पर क्लिक करिए, ये टाइटल आपका कॉपी हो जाएगा कंट्रोल सी, ठीक है जी। और उसके बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। क्योंकि अब इसमें स्पेसिस आ गया तो मेरे को यहां से जब टाइटल को गेट करा था तो इसके आगे अगर स्पेस हो तो ट्रिम हो जाए, तो डॉट ट्रिम मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो ये गेट टाइटल और टाइटल के आगे पीछे को व्हाइट स्पेसिस होगा तो उसे रिमूव कर देगा। तो ये टाइटल मेरे को कहां से मिल रहा है, जिस टैब पर मैं मूव कर रहा हूं उसका टाइटल मिल रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को पर्टिकुलर इस टैब पर अगर वर्क करना है तो मैंने इस टैब का चेक कर लिया कि मेरा कंट्रोल इस टैब के ऊपर है, ठीक है ना। तो वो टैब पर हम लोग मूव कर जाएंगे। तो अब अगर इस टैब के अंदर मेरे को मिल गया कि मैं मेरे मेरे को टाइटल जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उस टैब के ऊपर वर्क करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेरे को यहां पर क्लिक करना है। तो इसका फिर से मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और क्लिक हो जाने के बाद फिर मेरे को मन के लिए यहाँ पर कुछ लिखना है, और यहां पर मान के चलिए मेरे को टेस्ट इंजीनियर लिखना है, टेस्टिंग लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ये इफ में जाएगा। अगर एक और टैब है तो आप एक और एल्स इफ लगा सकते हैं, एल्स इफ टाइटल डॉट इक्वल्स दूसरा टाइटल, फिर उसमें जो भी काम करना है, फिर एल्स इफ एक और टाइटल डॉट इक्वल्स। तो इस तरीके से अगर मल्टीपल टैब्स हैं तो एक एक करके स्विच टू क्या करता रहेगा, उस टैब के ऊपर मूव करता जाएगा, हर एक टैब के ऊपर टाइटल गेट करते जाइए और जो टाइटल वाले टैब पर आपको जाकर काम करना है उसके ऊपर वो जाकर आपका काम करता रहेगा, क्योंकि आप उस टैब पर स्विच कर चुके हो आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टैब्स के बीच में मूव करा रहे हैं। अब अगर मेरे को वापस से करंट जो मेन विंडो है जहां से हम लोग ने लिंक को क्लिक करा था, जहां से टैब्स ओपन हुआ था, उसके ऊपर वापस जाना है, तो उसका रेफरेंस मैंने पहले से ही निकाल कर रखा हुआ है आपका, जो मैंने यहाँ पर करंट टैब का निकाल रखा है, करंट विंडो के नाम से उसको स्टोर करा रखा है, ठीक है ना। तो जब हमारा वाइल का लूप खत्म हो जाएगा, ये वाइल का खत्म हो गया, तो उसके बाद ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो करंट विंडो पर हम लोग बैक पर चले गए। और वहां पर जाकर अब आपको क्या करना है, वापस से यहां पर आकर
लोकेशन में इंस्पेक्ट, और लोकेशन के अंदर आपको क्या करना है, कॉपी हॉटस्पॉट पुणे वापस से ऐड करा देना है। ठीक है, आप इसको अगर थोड़ा स्लो डाउन करना चाहो तो थ्रेड डॉट स्लीप लगा सकते हो, वो कोई ऑप्शनल है ऐसे, क्योंकि वैसे तो हम लोग इम्प्लिसिटली वेट ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लिसिट वेट 30 लॉन्ग सेकंड का ऐड कर रखा है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहो तो आप जो है 60 लॉन्ग सेकंड कर दो, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या वैसे आप स्लो डाउन करना चाहते हो तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहूँ ताकि आपको पता चल जाए, तो टाइटल तो मैंने प्रिंट करा ही रखा है, और उसके बाद मैं यहाँ पर डीबगिंग के अंदर ये मैसेज से हम लोग डीबगिंग कर सकते हैं अपना, जब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। और बाकी अगर स्लो डाउन और करना चाहें तो थ्रेड डॉट स्लीप लगा दीजिएगा, मान के चलिए इसमें नहीं जा रहा या कुछ है, तो आप थोड़ा सा उसको वेट कराने के लिए थ्रेड डॉट स्लीप को ऐड करा सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं चलाकर, ठीक है, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जावा डेवलपर भी आ गया, पुणे भी आ गया, नया टैब भी ओपन हो गया, ठीक है, और वापस से हमारे इस लोकेशन पर भी आ गया। तो इस तरीके से दो टैब्स के बीच में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक और चीज, अगला चीज देखते हैं, और वो है फ्रेम। अब फ्रेम क्या होता है, उस चीज को समझते हैं, व्हाट इज आई फ्रेम। तो जावा के अंदर क्या होता है कि एक आई फ्रेम टैग होता है, ठीक है ना। और आई फ्रेम टैग क्या करता है, आई फ्रेम टैग ओपन्स द या एड्स द न्यू विंडो ऑन अ करंट पेज, ठीक है ना। या हम लोग ये कह सकते हैं कि हिडन विंडो इनसाइड द करंट पेज। तो आई फ्रेम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैं आपको आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे मैं ये अपना टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं जैसे किसी लिंक पर, जैसे टॉप न्यूज स्टोरीज आ रही है, ठीक है ना, इस लिंक पर या कहीं पर क्लिक करूंगा, तो यहां पर देखिए कहीं पर भी फ्रेम लिखकर नहीं आ रहा। तो फ्रेम लिखकर नहीं आ रहा का मतलब क्या हुआ कि भाई ये इसी पेज का ही पार्ट है, ये कोई अलग वो नहीं है, कोई नया वो नहीं है ये विंडो, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे आप कोई की और भी जैसे कहीं पर क्लिक करते हैं, तो ये डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे एंटरटेनमेंट है, मैंने राइट क्लिक करा, इस पर इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपका फ्रेम लिखकर नहीं आ रहा, ठीक है। और मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर पोल लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास लिख कर आ रहा है फ्रेम सोर्स रीलोड फ्रेम। तो इसका मतलब कि अब हम क्या कह रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है ये एक फ्रेम है। फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो हमारा, अगर मैं इसको कॉपी कर लूंगा सीधा एक्सपाथ, और मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक नहीं होगा यहाँ पर इस बटन के ऊपर, यस बटन के ऊपर, ठीक है। तो आप अगर इसको ऊपर थोड़ा सा चलकर देखोगे इसका कोड, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा
HTML से स्टार्ट हो रखा है, मतलब कि ये एक नया नया ही पेज है। और आप थोड़ा सा देखोगे इसके अंदर तो देखिएगा ये आई फ्रेम, तो ये आई फ्रेम टैग के अंदर ये HTML का पूरा कोड है लिखा हुआ, ठीक है ना। और आई फ्रेम जो टैग है इसका सोर्स है पोल अंडर स्कोर v1.cms, तो मतलब कि एक डिफरेंट पेज है ये इसका जो है ये लिंक, ये यहाँ पर तो टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो स्लैश करके पोल अंडर स्कोर v1.cms ये है, ठीक है ना। और इसका हर एक फ्रेम का एक आईडी दे रखा होगा आपको, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर भी देखिएगा आईडी होगा, तो आई फ्रेम टाइटल एडवर्टाइजमेंट ये रहा आईडी, देखिए ये रहा आईडी, आईडी इज इक्वल्स टू पोल फ्रेम, ठीक है ना। तो ये इसका एक उन्होंने आईडी एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो ये तो वैसे जितने भी आप के एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहे होते हैं ना, बैनर्स वगैरह चल रहे होते हैं, वो ज्यादातर आप देखोगे आई फ्रेम होता है। वैसे यूट्यूब के अंदर जो हम लोग का जो है जहां पर वीडियो प्ले होता है, तो नीचे जो होता है नीचे कहते हैं लिंक्स होते हैं, वो लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो वीडियो प्ले हो जाता है ऊपर हमारे, कहाँ पर जो हमारा वीडियो का प्लेयर होता है, तो वो जो वीडियो का पैनल होता है हमारा वो भी आई फ्रेम ही होता है। तो वो क्योंकि लिंक एक अलग लिंक है, ठीक है ना, लेकिन वो प्ले पर्टिकुलर क्या पर हो रहा है उस सोर्स में, वो सोर्स में वो अपेंड हो जाता है, तो वहां पर वो प्ले होने लग जाता है। तो आई फ्रेम अगर बोले तो आई फ्रेम इज अ फ्रेम इन साइड द करंट विंडो, लेकिन वो होता पेज अलग है, ठीक है ना। और अगर उस पेज के ऊपर जाकर आपको कोई एक्टिविटी, क्योंकि ये डिफरेंट HTML का पेज है, ठीक है, ये डिफरेंट HTML का पेज है, तो अगर इस HTML में जाकर अगर मेरे को क्लिक टाइप करना है तो ये डिफरेंट पेज है, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच टू से मूव करना पड़ेगा। जब तक आप इसे मूव नहीं करोगे, जब तक आप इस पेज के ऊपर ऑटोमेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल इसका भी देखता हूँ चला रखकर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं एक दूसरी साइट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट पर जा रहा हूँ आर्मी इंफोटेक सॉल्यूशंस डॉट कॉम के अंदर। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक इंक्वायरी फॉर्म है। अब इस इंक्वायरी फॉर्म के अंदर जाकर अगर मैं देखूं, इंस्पेक्ट करूं, ठीक है ना, तो आपने जैसा भी देखा होगा, दोबारा से दिखा देता हूं। अगर मैं इसको कर इंस्पेक्ट कर रहा हूं, सॉरी, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूं, तो देखिएगा यहां पर रीलोड फ्रेम फ्रेम। तो जब भी आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वहां पर फ्रेम लिखकर आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये आई फ्रेम है, ठीक है ना। तो फिर आप उसका जो है आपको फ्रेम का आईडी को लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं इसका इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को जैसे खुला, तो इसके अंदर मेरे को ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो ये फॉर्म है, और फॉर्म जो है वो HTML बॉडी, मतलब कि डिफरेंट ही पेज है, ठीक है। और ये जो है इसका सोर्स जो है वो देखेंगे तो ये अलग है, rmfresolution.com/javamainmail2.php। तो अगर आप इस लिंक को अलग से ओपन करोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर ऐड हो रखा है, एक आई फ्रेम के अंदर ऐड हो रखा है। वो आई फ्रेम क्या है, मेल फ्रेम, मेल फ्रेम, ठीक है ना। तो मेरे को इस मेल फ्रेम के अंदर पहले स्विच करना पड़ेगा, तभी मैं इसके अंदर ये नेम को ऐड करा पाऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इस चीज को भी। तो जैसे कि मैंने एक क्लास बना ली टेस्ट फ्रेम, और टेस्ट फ्रेम में जाकर हम लोगों ने क्या करा, वेब पेज के ऊपर चले गए सेलेनियम इंट्रो 1.html के ऊपर, ठीक है ना। और अब जैसे पिछली बार हम लोगों ने क्या करा था, स्विच टू विंडो करा था, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या करा था, स्विच टू विंडो, ये रहा ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो, ठीक है ना। वैसे यहां पर हमारे पास है ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, और फ्रेम के अंदर क्या लिखा जाएगा, फ्रेम का आईडी मेल फ्रेम, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं, मैं स्विच नहीं करवाता, मैं स्विच नहीं करवा रखा, ठीक है ना, और स्विच नहीं करवा रखा। और मैं क्या कर रहा हूं अभी, 2 मिनट रुकिएगा, मैं स्विच टू नहीं करवाना, मैंने कमेंट कर दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा इसका नेम का इंस्पेक्ट कर ये मैंने कॉपी ऐसे एक्स पाथ ले लिया, और यहाँ पर मैं इस एक्स पाथ को ऐड करा देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये टाइप कर पाता है या नहीं कर पाता।
ठीक है, तो देखते हैं टाइप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो मैंने वेट लगा रखी है अभी, तो ये वेट कर रहा है, देखते हैं। थोड़ा क्योंकि मैंने वेट ज़्यादा लगा रखी है तो थोड़ा सा वेट करेगा। तो ये से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इम्प्लिसिट वेट का मतलब क्या है। तो मैंने बताया था इम्प्लिसिट क्या है, एक जनरल वेट होती है वेब पेज के लिए। तो जब भी कोई हम लोग एलिमेंट के ऊपर फाइंड करते हैं और उसको एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो उतने टाइम के लिए वेट करता है, ठीक है ना। तो ये उतने टाइम के लिए वेट कर रहा है आपका। तो वेट करने के टाइम पर इसको नहीं मिला तो इसने टाइम आउट कर दिया। तो टाइम आउट में अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है, नो सच एलिमेंट, मतलब कि उसको ये T1 वाला एलिमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं मिल रहा उसे, ठीक है ना। तो अब क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो है एक सेपरेट फ्रेम के अंदर है, ठीक है ना, सेपरेट पेज है ये हमारा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करें दोबारा से, कि मैं क्या करता हूँ स्विच टू। तो स्विच टू मैंने क्या कर दिया, फ्रेम और फ्रेम का आईडी। तो अब ये उस फ्रेम के अंदर जाएगा तो अब उसे ये एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन अब एक और चीज देखते हैं इसके अंदर, कि अब जब मैं इस फ्रेम के अंदर चला गया और यहां पर टाइप करवा दिया, तो टाइप करने के बाद अगर मैं बाहर आना चाहता हूँ इस फ्रेम से बाहर, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये ईमेल मेरे को गेट करना है ये कंपनी का, तो ये ईमेल जो कंपनी का गेट करना चाहता हूँ वो इस फ्रेम के अंदर नहीं है, वो मेन विंडो के अंदर है, ठीक है ना। तो अगर मेरे को इस मेन विंडो से बाहर आना है तो उसके लिए मेरे पास मेथड होता है, वो मेथड क्या है, स्विच टू डिफॉल्ट कॉन्टेंट। तो डिफॉल्ट कॉन्टेंट क्या काम करता है, वापस से मेन पेज के ऊपर आपका कंट्रोल पेरेंट विंडो के ऊपर ले जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद वहां पर जाकर मैंने क्या करा, मैंने ईमेल आईडी का एक्स पाथ ले लिया, जो आप ऑलरेडी ना बता ही चुका हूँ कैसे लिया जाता है, तो आप ले लीजिएगा। और उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो सिंपल आपको एक डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि वाट इज आई फ्रेम एंड हाउ टू मूव टू द आई फ्रेम, ठीक है ना। और आई फ्रेम से बाहर निकलने के लिए डिफॉल्ट कॉन्टेंट को यूज करा जाता है, ठीक है। तो एक बार रन कराकर चेक कर लेते हैं। अभी 2 मिनट्स ना देखिएगा, क्योंकि थोड़ा वेट लगा रखा है ज़्यादा मैंने स्लो करने के लिए उसे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लेगा। अभी देखते हैं, नहीं तो एरर आएगा तो एरर भी पता चलेगा कि क्या एरर आ रहा है, अगर एरर भी आता है तो। देखते हैं अभी चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा देखते हैं, वेट करके देखते हैं अभी कि क्या कुछ एरर आता है कि नहीं। देखिए टाइप कर दिया इसने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पराग आपका आ गया, अगर हम लोग देखें तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया और उसने ईमेल आईडी भी गेट कर लिया, तो इसका मतलब कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने दिखाया था कि जब कमेंट कर दिया था फ्रेम को तो ये एरर दे रहा था, इसको ये एलिमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने स्विच टू फ्रेम कर दिया तो अब इसको ये वाला एलिमेंट मिल गया।
तो कई बार अगर आप एक्स पाथ लेते हो और आपको वहां पर जाकर एलिमेंट नहीं मिलता है, एब्सोल्यूट एक्स पाथ लेने के बाद भी नहीं मिलता है, तो चेक कर लीजिए कि ये कहीं फ्रेम तो नहीं है। तो उस केस में आप उसको पहले फ्रेम में मूव कराकर और फिर चेक करिए, तो आपका जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज होती है अलर्ट विंडो। अलर्ट विंडो जावास्क्रिप्ट की विंडो होती है, जब कोई एरर आता है तो उस केस के अंदर हम लोग क्या होता है, वो एक एरर मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, अलर्ट विंडो को हम लोग ओपन करवा देते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, नीचे की जो स्क्रीन होती है वो फ्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब उस अलर्ट विंडो से मेरे को अगर एरर मैसेज को गेट करना है तो मेरे को उसके ऊपर मूव करना पड़ेगा। जैसे मैं एक और डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल से पहले अलर्ट विंडो का क्या मतलब है वो भी आपको दिखा देता हूँ, और कैसे मूव करा जाता है वो भी दिखा देते हैं। जैसे मैं रिडिफ के ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये रिडिफ पर चले गए और रिडिफ पर जाकर मैं साइन इन पर क्लिक करना चाहता हूँ, तो एक्सपाथ भी ले लेते हैं इसका साथ साथ में, इंस्पेक्ट करा, ठीक है, और इसका एक्सपाथ कॉपी कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेप नंबर वन क्या करा, साइन इन पर क्लिक कर दिया। साइन इन पर जब क्लिक करेंगे तो ये मेरा एक नया यूजर नेम और पासवर्ड ओपन हो गया। अब मैं यूजर नेम और पासवर्ड के ऊपर कहीं भी डाटा नहीं डाल रहा और डाटा डाले बगैर साइन इन पर क्लिक कर रहा हूं, तो इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने साइन इन पर क्लिक कर लिया। तो जब साइन इन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये एक एरर विंडो दिखा रहा है कि प्लीज एंटर यूजर नेम, वैलिड यूजर नेम। अब ये जो है इसे कहते हैं अलर्ट विंडो। ठीक है ना, तो अब मैं अगर नीचे कहीं पर क्लिक करना चाहूंगा तो नीचे कुछ नहीं कर सकते, फ्रीज हो गई नीचे की विंडो। ठीक है ना, तो अब इस विंडो को जब तक मैं ओके पर नहीं क्लिक करूंगा और तब तक ये हटेगी नहीं, और तब तक मैं नीचे एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता। तो मान के चलिए मेरे को इस विंडो के अंदर इस एरर मैसेज को, ये जो अलर्ट विंडो खुली है इसके एरर मैसेज को गेट करना है, तो इस एरर मैसेज को गेट करने के लिए इस पर पहले स्विच करना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसी तरीके से इस ओके बटन पर क्लिक करने के लिए भी इस अलर्ट विंडो के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। तो कैसे स्विच करते हैं वो चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मेरे पास है स्विच टू अलर्ट। ठीक है, तो आपके पास तीन स्विच हो गए, एक स्विच हो गया स्विच टू विंडो, दूसरा हो गया स्विच टू फ्रेम, और तीसरा हो गया स्विच टू अलर्ट। ठीक है, तो ये वाला हमारा स्विच टू अलर्ट। तो अलर्ट एक मेथड, अब अलर्ट का कोई आईडी नहीं होता ना, मल्टीपल अलर्ट्स होते, जैसे इस वाले पहले वाले केस में तो मल्टीपल टैब्स थे, तो मल्टीपल टैब्स थे तो मैं स्विच कर रहा था और एक एक करके नेक्स्ट टैब पर मूव कर रहा था। आई फ्रेम के अंदर मैंने बताया आईडी होता है, तो मतलब मेरा फ्रेम के आईडी के थ्रू मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन अलर्ट विंडो एक टाइम पर एक ही ओपन होगी। ठीक है ना, तो उसलिए इसमें कोई ना ऐसा आईडी होता ना हमारा मल्टीपल अलर्ट्स होते, इसलिए सिंपल ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट मेथड है जो कि अलर्ट इंटरफेस रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, अलर्ट इंटरफेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, और अलर्ट इंटरफेस का मेथड होता है गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट क्या करेगा, उस अलर्ट विंडो से जो भी एरर टेक्स्ट होगा उस एरर टेक्स्ट को गेट कर लेगा। ठीक है ना, और उसी तरीके से एक्सेप्ट मेथड होता है अलर्ट का, वो एक्सेप्ट मेथड क्या करता है, ओके बटन पर क्लिक करके उस अलर्ट बॉक्स को क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आज हम लोगों ने तीन तरीके के स्विच देखे, और ये बहुत कॉमनली कोई भी आप वेब पेज के ऊपर देखोगे तो आपको मल्टीपल टैब्स पर मूव करना या आई फ्रेम और अलर्ट बॉक्स आपको बहुत कॉमनली हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो हम लोग रन करवा लें। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज मिल गया, वो ओके बटन पर क्लिक करके उसने उसको क्लोज भी कर दिया। ठीक है, तो आज में इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इसी वेब ड्राइवर के कुछ और कंट्रोल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।